आज बनाएंगे कच्चे पत्ते का सब्जी। पत्ता को धोकर अच्छी तरह साफ कर लिए हैं। पत्ता को काट लेंगे। खौलता हुआ पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पत्ता को 2 से 3 मिनट पका लेंगे। तीन मिनट हो गया है, छन्नी में पत्ता को निकाल लेंगे। मसाला में लिए हैं जीरा, धनिया, काला सरसों, पीला सरसों, हरी मिर्ची और लहसुन। हरी मिर्ची की जगह लाल मिर्ची भी ले सकते हैं और इसे पीस लेंगे। उबाला हुआ पत्ता में मिलाएंगे लहसुन, मिर्ची का पेस्ट, हल्दी, नमक और बेसन। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। एक चम्मच बेसन और लगेगा। बेसन पत्ता को अच्छी तरह मिला लिए हैं, अब इसे सेकेंगे। पैन में थोड़ा सा सरसों तेल डालकर पत्ते का पकौड़ा को इस तरह सेक लेंगे। इसे तावा पर भी सेक सकते हैं, इसे ज़्यादा तेल में भी तल सकते हैं। धीमी आंच पर पकौड़ा को सेक लेंगे। पकौड़ा पक चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। सरसों तेल गरम करके इसमें डालेंगे काला सरसों, हल्दी और मसाला। इसे अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला भुन गया है, इसमें मिलाएंगे पानी। पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखें, बेसन होने के कारण पानी सोख लेता है। पानी में उबाल आते ही पकौड़ा मिला लेंगे और स्वाद अनुसार नमक। इसे धीमी आंच पर पका लेंगे। कच्चू का पत्ते का सब्जी बन गया है, अब इसमें मिलाएंगे एक नींबू का रस और धनिया पत्ता। घर में अगर धनिया पत्ता नहीं है तो उसके बिना भी बना सकते हैं। कच्चू का पत्ता का सब्जी बनकर तैयार है, अब इसका प्लेटिंग करेंगे। डायमंड्स किचन में कच्चू का पत्ते का सब्जी बनकर तैयार है।